दूरे रहिए भैया दूरे। अभी घर आ चार पाँच इसको खोलिए ना। हरी रुपये खोल दीजिए खोलिए तो डिस्टेंस भैया थोड़ा डिस्टेंस में रखते हैं। खोलो यार पता खोल खोलो खोलो पीछे का फोटो लो रूढ़ी जी खोलो पीछे से खोलो सब खोल लो यार। खोलते कहा नहीं बोले खोलने खोल क्यों नहीं रहा सब खोलो सब खोलो सब खोलो। दैनिक जागरण की पत्रकार में दिया सुरेश से वो कहे की हम बोले रोहिणी जी के विरोध में नहीं दिखेंगे। एक आदमी मेरे साथ नहीं आया मैं अकेले आया हूं भैया यहाँ पे दोबारा आया है और लोग बोला भी है कि फंसा देंगे तुमको गुड्डू भैया नहीं था अब इसको हम भेजे रखे थे इसको कहे ना भेजे छह महीने से हम इसको देख रहे हैं। जिला पार्षद जी कहाँ रह गए तीन एम्बुलेंस उनको फोन किए थे हम तो सब यूट्यूब में मिले थे सर खोलो खोलो यहाँ से 22,000 रुपया लेता विकास विकास वीडियो बनाइएगा तुमको दे दीजिए विकास ला ना मतलब ये फोटो इधरों से ये फोटो लो हम यहाँ के हैं देखो क्या हो गया नहीं आप हरिया माँ ने जब बेटे को बेटा ने माँ को पिता ने बेटा को बेटा ने बाप पति पत्नी को गांव ने छोड़ दिया वहां पप्पू एक महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्मुग्धि सरकार लोकतंत्र को मार देने वाली और ये नेता जो रावण कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं ये क्या है सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहां भेज दिया गया एक चौबे जी है उनके यहां भेज दिया गया ये यहां 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं हमारे भी भाई हैं मेरा सवाल वो नहीं है हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर मैं मुझे लगा किसी और का रूढ़ी जी का घर नहीं लेकिन ये एम्बुलेंस यहां क्यों रखा हुआ है सवाल न रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है सिस्टम का है सिस्टम क्यों मरी हुई है 100-100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी इसको पटना में लगाते छपरा में लगाते सिवान में लगाते सिवान की जनता को फ्री करते क्यों 18 रुपया किलोमीटर क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया हर घर में लाश और कफन फिर बहाली क्यों
मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है, जब 7,000-12,000 रुपया एक किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया। ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लैक्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। फिर एक अंतिम सवाल है, सारे जनप्रतिनिधि घर में बैठे हुए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए, उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है।